मांगों को लेकर किसान यूनियन के पदाधिकारी लगातार तिकोनिया पार्क में धरने पर बैठे हैं। दूसरे दिन भी किसानों का धरना जारी रहा। केंद्र पर सरकार पर वादाखिलाफी का किसानों का आरोप है। यह जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीरें जिला मुख्यालय स्थित तिकोनिया पार्क की तस्वीरें हैं। यहां सरकार द्वारा की गई वादा खिलाफी से आक्रोशित किसान ने मैनपुरी के कलेक्टर तिकोनिया पार्क पर 24 घंटे से अधिक बीत जाने के बावजूद भी बैठे हुए हैं। किसानों का आरोप है, सरकार द्वारा 9 दिसंबर को जो वादे किए गए थे, उन वादों से सरकार मुकर गई है। सरकार द्वारा वादा खिलाफी की गई है। लगातार सरकार इसी तरीके का काम करती चली आई है, लेकिन किसान अब मानने वाले नहीं है। किसानों ने अब मन बना लिया है कि अगर सरकार ने मांगों को नहीं सुना तो वह भी पीछे हटने वाली नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव तिलक सिंह राजपूत ने बताया कि सरकार किसान विरोधी सरकार है और यह धरना अग्रिम आदेश तक जारी रहेगा। वहीं क्या कुछ कहते नजर आए, ये जरा आप भी सुनिए। मेरा नाम तिलक सिंह राजपूत है, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश। प्रदेश सचिव जी, आज सभी लोग तिकोनिया पार्क में धरने पर बैठे, कितने घंटे हो गए धरने पर बैठे हुए? अभी हम लोगों को ये धरने पर बैठे हुए 24 घंटे से अधिक हुए। कब तक ये धरना जारी रहेगा और क्या क्या मांगे हैं आपकी? अग्रिम आदेश तक, जब तक हमारे सुप्रीम का अग्रिम आदेश नहीं आएगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। और ये धरना 9 दिसंबर को, जो सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया था कि हम आपकी मांगों को स्वीकार करते हुए इन पर अमल करेंगे, एक वर्ष होने वाला है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और किसानों का हत्यारा जो आज गृह राज्य मंत्री का लड़का है वो तो जेल में है, लेकिन उसका दोषी, उसका बाप अजय टैनी, उसको ना तो सरकार बर्खास्त कर रही है और ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है, और उल्टा किसानों को जेल में घुसवा दिया है। इसके विरोध में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और संयुक्त मोर्चा के दिशा निर्देशन में लखीमपुर खीरी में जो आंदोलन चल रहा है उसी के अंतर्गत इस आंदोलन को भी बुलाया जा रहा है। क्या लगता है कि किसान विरोधी सरकार है? हाँ, पूरी तौर से ये तो है ही। आप लोगों ने और पूरी जनमानस देख रहा है कि 13 महीने सड़कों पर किसान बैठा रहा। अगर सरकार चाहती तो 3 दिन में फैसला हो सकता था। जो फैसला उन्होंने 13 महीने में लिया है वो 3 दिन में भी हो सकता था, लेकिन फिर फैसला लेने के बावजूद भी क्या हुआ? फैसला लेने के बाद में वादा खिलाफी कर दी। सरकार झूठ बोलती है जिससे किसानों में रोष है, और जब तक सरकार ये झूठ बोलेगी या किसानों की बात नहीं मानेगी तब तक आंदोलन तो जारी रहेगा। नहीं, आंदोलन के बाद आ जाता है, फिर वही बात आती है। नहीं, चुनाव वाले लोग मान जाता है। नहीं, ऐसा क्यों? किसान जो संगठन के लोग हैं वो तो नहीं मानते हैं, लेकिन जो राजनीतिक लोग जुड़े हैं या प्रलोभन देते हैं उनके तहत, और किसान इतना बुद्धिमान या राजनीतिक तो नहीं है, वो नहीं समझ पाता इन बातों को, भ्रमित होकर के वो बहक जाता है। लेकिन सरकार किसी की भी बने, सरकार में भारतीय किसान यूनियन का कोई भी प्रतिनिधि न तो प्रतिनिधि बनता है न चुनाव लड़ता है। सरकार तो इन्हीं लोगों की होगी, राजनीतिक लोगों की, लेकिन कम से कम किसानों की तरफ ध्यान तो दिया जाए, इनकी क्या समस्याएं हैं, जबकि देश का अन्नदाता कहा जाता है। हर बार ये कहते हैं ये किसान भगवान है, और जब वोट का नंबर आता है तो द्वारे द्वारे चौखट चौखट पर उसके यहाँ माथा टेकते, उसके बाद भूल जाते हैं।